दोस्तों मुकेश अंबानी भारत के एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास रुपयों की कमी नहीं है। इनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत में होती है क्योंकि मुकेश अंबानी 6,66,250 करोड़ के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने, ये दौलत इतनी है कि इससे दुनिया के 50 से भी अधिक देशों को खरीदा जा सकता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी ने इतने सारे पैसे कैसे कमाई, लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये दौलत कैसे खर्च होती है। इनकी दौलत को सबसे ज्यादा खर्च करती है इनकी धर्मपत्नी नीता अंबानी। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन दौलत में सबसे ज्यादा खर्च करती है नीता अंबानी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीता अंबानी के दिन की शुरुआत ही 3 लाख रुपए की चाय के साथ होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी चाय है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए हो सकती है। तो अब आपको बता दें कि अंबानी जी के घर मेम क्रॉकरी का चॉप कप यूज होता है, वही सिर्फ 3 लाख रुपए का है, जिसे जापानी कंपनी नोरी टेक बनाती है और इसे बनाने के लिए 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीता अंबानी की चाय 3 लाख रुपए की कैसे होती है। चलिए बात कर लेते हैं नीता अंबानी के कपड़ों की। तो 14,000 करोड़ के घर में रहने वाली नीता अंबानी कपड़े भी काफी महंगे पहनती है, जिन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी भारत के सबसे अच्छे डिजाइनर के हाथ में है। इनकी केवल एक नॉर्मल साड़ी की कीमत 10 लाख रुपए होती है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा साड़ी पहनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नीता अंबानी के पास ही है। इन्होंने अपने बेटे आकाश अंबानी की शादी में जो पहना था उसकी कीमत 40 लाख रुपए थी। इनकी साड़ी में दुनिया के नायाब पत्थरों को जड़ा गया था। इतना ही नहीं, इनकी साड़ी में सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई महिला 40 लाख की साड़ी पहनेगी तो उसका श्रृंगार कितना महंगा होगा। आपको बता दें कि इनकी केवल एक लिपस्टिक लाखों रुपए की होती है, क्योंकि इनके सभी लिपस्टिक ड्रेस के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं, जिन्हें लंदन और पेरिस की मशहूर कंपनियां तैयार करती है। कस्टमाइज होने के बाद भी इनके लिपस्टिक को सोने के केज में रखा जाता है, जो कि इन्हें और भी ज्यादा प्रीमियम लुक दे देता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतनी ज्यादा उम्र के पड़ाव पर भी नीता अंबानी इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे दिखती है। वैसे इनके इस जबरदस्त लुक के पीछे कई और भी कारण हैं, जैसे कि इनके सैंडल और इनकी घड़ियां, जिनकी कीमत लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक जाती है। और सोचने वाली बात यह भी है कि लाखों रुपए की चीज होने के बाद भी नीता अंबानी सिर्फ इसे एक बार ही पहनती है। मतलब कि नीता अंबानी ने जो एक बार पहन लिया वो दोबारा रिपीट नहीं करती है। इनकी घड़ियों में सोने चांदी और हीरे जड़े होते हैं। यही नहीं, इनके हाथों में जो हैंडबैग देख रहे हैं उनकी कीमत लाखों रुपए में होती है, जिन पर हीरे तो जड़े होते ही हैं। ये सब नीता अंबानी के लिए बहुत ही नॉर्मल है। ये कितने महंगे हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब 2018 में इनकी एक बैग की नीलामी हुई तो इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। दोस्तों अब बात करते हैं नीता अंबानी की कार कलेक्शन की। अब जब ये तैयार होने में करोड़ों रुपए खर्च करती है तो अब इनकी कार कलेक्शन भी तो प्रीमियम ही होगी। वैसे तो इनके परिवार में गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी एक गाड़ी जो कि नीता अंबानी की फेवरेट है, जिसका नाम है ऑडी A9 कैमिलियन। वैसे तो इस गाड़ी की कीमत 90 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन इस गाड़ी से चलना नीता अंबानी को सबसे ज्यादा पसंद है। ये तो बात हुई जमीन पर चलने की, लेकिन अगर बात करें हवा में उड़ने की तो इनके पति ने इनके लिए एक प्राइवेट जेट भी दिलवा दिया है, जिसकी कीमत 240 करोड़ रुपए से भी अधिक है। और इसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप इसके अंदर का व्यू देखेंगे। इसके अंदर जो फैसिलिटी मिलती है, जिसके आगे 5-स्टार होटल की फैसिलिटी भी फीकी पड़ जाए। ठीक इसी तरह नीता अंबानी जिस फोन का इस्तेमाल करती है वो भी गोल्ड से बना हुआ कस्टमाइज फोन होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस फोन को दुनिया के गिने चुने लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिर्फ इस फोन की कीमत 300 करोड़ रुपए से भी अधिक होती है। इस फोन की खासियत ये है कि इनके फोन को दुनिया का कोई व्यक्ति हैक नहीं कर सकता। दोस्तों इतना ही नहीं, नीता अंबानी जिस पानी को पीती है वो भी बेहद कीमती होता है। ये पानी इतना महंगा होता है कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतना महंगा पानी नहीं पी पाएगा, क्योंकि नीता अंबानी जिस बोतल से पानी पीती है उसकी कीमत ही 40 लाख रुपए से ज्यादा है। और इस पानी का नाम है एक्वाडी क्रिस्टेलो। इसमें शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया जाता है, और इस बोतल की खासियत ये है कि जब इसमें पानी भरा जाता है तो गोल्ड की कुछ मात्रा पानी में मिला दी जाती है, और इस तरह का पानी नॉर्मल पानी के मुकाबले सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक ऐसे ही नीता अंबानी की बर्थडे की पार्टी भी देश की सबसे महंगी पार्टियों में से एक होती है। इसमें देश के सभी नामचीन हस्तियां शामिल होती है। इस एक पार्टी के लिए नीता अंबानी 500 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर देती है। दोस्तों अब तक तो आपने देखा कि नीता अंबानी कैसे पैसों को खर्च करती है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये इतने सारे पैसे कमाती कैसे है। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नीता अंबानी अपने पति का पैसा उड़ाती है, लेकिन आपको बता दूं कि ये अपने पति मुकेश अंबानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करती है। नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री में बोर्ड मेंबर है, जहां से इन्हें सालाना करोड़ों रुपए मिलती है। ये धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल भी चलाती है, और यहां पर देश और विदेश के वीआईपी बच्चे पढ़ते हैं।
यहाँ पर नीता अंबानी गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा देती है। इन सब के अलावा हम आईपीएल को कैसे भूल सकते हैं। इस टीम का नाम है मुंबई इंडियन और इस टीम की मालिक कोई और नहीं बल्कि नीता अंबानी है। आज के समय में इस टीम की नेटवर्थ 1000 करोड़ के लगभग है। दोस्तों जिस तरह से नीता अंबानी पैसे को खर्च करती है उसी तरह से ये डोनेशन भी देती है, तो चलिए एक नज़र इनके कामों पर भी डाल देते हैं। तो नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है जो पूरे देश के गरीब लोगों के लिए काम करती है। इस फाउंडेशन के तहत हर काम नीता अंबानी की देखरेख में होता है। दोस्तों जब देश में कोविड आया तो सबसे पहला कोविड हॉस्पिटल रिलायंस फाउंडेशन ने ही बनाया था, जिसे बनाने में उस वक्त लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत आई थी। यही वजह था कि साल 2020 में इन्हें सबसे बड़ा दानवीर का अवार्ड दिया गया था और ये गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने साथियों में वीडियो को शेयर जरूर करें।